हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साइंस से रिलेटेड और जीके से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, आपके ये रेलवे ग्रुप डी में जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एसबीआई बैंक में सिक्स्थ बैंक कब मिलाया गया था? इसका राइट आंसर होगा 2016 में। 2016 में हमारे यहाँ सिक्स्थ बैंक एसबीआई में मिला दिया गया था, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। आईसीसी के चेयरमैन कौन है? इसका राइट आंसर होगा हमारा शशांक मनोहर। कौन? शशांक मनोहर। परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त सारणी किसने बनाई थी? इसका राइट होगा हमारा मोसले। मोसले इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त सारणी बनाई थी। कोबाल्ट की परमाणु संख्या कितनी होती है? कोबाल्ट की परमाणु संख्या होती है 27। अक्षय कुमार को किस फिल्म के लिए अवार्ड मिला था? रुस्तम मूवी के लिए अक्षय कुमार को फिल्म में अवार्ड मिला था। वाटर का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान होता है 7। एचआरडी मिनिस्टर कौन है? एचआरडी मिनिस्टर हमारे हैं प्रकाश जावेदकर। टी20 के अंदर किस भारतीय खिलाड़ी ने 5 विकेट लिए थे? इसका राइट है कुलदीप यादव ने। कुलदीप यादव ने भारतीय खिलाड़ी में 5 विकेट लिए थे। अष्टांक नियम किसने दिया? अष्टांक नियम दिया था न्यूलैंड्स ने। किसने? न्यूलैंड्स ने दिया था। क्रोमोसोम किस चीज से मिलकर बनते हैं? इसे बनते हैं डीएनए प्लस प्रोटीन, जिसे हिस्टोन ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं। एसएआई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है नीलम कपूर। कौन है? नीलम कपूर। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 12 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट कौन है? कोई नहीं यूनिट है इसकी। क्या होगा इसका आंसर? कोई यूनिट नहीं होती इसकी। खिलजी वंश की शुरुआत किसने की थी? खिलजी वंश की शुरुआत जलाउद्दीन खिलजी ने की थी। जलाउद्दीन खिलजी ने की थी। लिंबा राम कौन से खेल से संबंधित हैं? ये तीरबाजी से संबंधित हैं। टी20 सबसे तेज से सेंचुरी बनाने वाला खिलाड़ी कौन सा है? रोहित शर्मा सबसे तेज सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी हैं टी20 में। अन्ना बुक के ऑथर कौन है? अन्ना बुक के ऑथर है अन्ना मारिया। अरावली रेंज कहाँ स्थित है? अरावली रेंज राजस्थान में स्थित है। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन कहाँ पर है? इसका है एमएस। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन हमारा एमएस में है। नेक्स्ट है हमारा, वाटर डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना किस लिए की गई है? ये स्थापना की गई थी 14 से 25 साल के बच्चों के लिए। कितने से? 14 से 25 साल के बच्चों के लिए ये स्थापना की गई थी। नियति आयोग का एक्सओ ऑफिस, इसका नियति आयोग का एक्स ऑफिसो चेयरमैन कौन है? पीएम। कौन है? पीएम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4.2। क्या है? CaSO4.2H2O। केसुरदंड की कितनी हड्डियां होती हैं? केसुरदंड की 33 हड्डियां होती हैं। कितनी? 33 हड्डियां होती हैं। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। प्लीज, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरी वीडियो को आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।